इंग्लिश में हमारा टिपिकल रूल चल रहा था, तो जरूरी नहीं है कोई नंबरिंग डालो, इसलिए मैं तो कभी भी किसी रूल को नंबर से नहीं लिखता। लेकिन अगर बढ़िया रहेगा तुम लोग नंबर से लिखो तो ज्यादा अच्छा है। नंबरिंग वही कंटिन्यू कर सकते हो जो पिछले लास्ट अब तक मैंने कराई होगी, ठीक है? तो मैं कोई नंबरिंग नहीं डाल रहा हूँ, मैं आज का सीधा टिपिकल रूल लिख रहा हूँ। रूल बड़ा आसान है, लिखो, बहुत ही बढ़िया चीज है। टिपिकल जितना करोगे उतना ज्यादा तुम इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओगे हिंदी को। तो लिखो, किया, करता था, किया करता था। कहते नहीं है, मैं तो अक्सर सोया करता था, मैं खेला करता था, मैं उसको पीटा करता था, तुम रोज नहाया करते थे, है ना? ऐसा मतलब कोई काम तुम किया करते थे, सॉरी, हाँ करते थे, ठीक है? तो लिखो, इसके लिए बहुत ही आसान सी लॉजिक है। लिखो, फॉर्म इसकी होती है यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल क्या है इसका, बड़ा आसान है। देखो, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे कि मेरे एग्जाम्पल है, लिखो, मैं यहां पढ़ाया करता था, मैं यहाँ पढ़ाया करता था, मतलब कोई काम में पहले कभी करता था। और क्या करता था, पढ़ाया करता था भाई, है ना? उसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो बच्चा बच्चा पढ़ाता है, तो मैं भी पढ़ाया करता था। तो बताओ काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, ठीक है? और कौन करता था ये काम, मैं। तो लिखो, मैं के लिए आई। रूल ध्यान रखना क्या बनेगी, यूज टू, करता था। देखो कोई काम किया करता था, चाहे वो पढ़ाने का हो, चाहे वो खेलने का हो, चाहे खिलाने का हो, चाहे कुछ भी हो, मैं यहाँ पढ़ाया करता था। तो पढ़ाने का काम हो रहा है, करता था का रूल लगेगा यूज टू। तो लिखो, आई यूज टू, पढ़ाने की क्या होती है, टीच। तो लिखो, आई यूज टू टीच। और यहाँ के लिए क्या आ जाएगा, हेयर। लिखो, आई यूज टू टीच हेयर। अगला देखते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी रूल पर बेस्ड। लिखो, वह बच्चों को पीटा करता था, बच्चों की कुटाई करता था वो। इसका मतलब जरूर बच्चे कैसे होंगे, शैतान होंगे, तभी तो वो पीटता था भाई। जो शैतानी नहीं करते उनको क्यों पीटोगे, उन्हीं बच्चों को तो पीटा जाता है जो शैतानी करते हैं, तुम लोग तो समझते ही हो। तो देखो, वह बच्चों को पीटा करता था, मतलब काम क्या हो रहा है, पीटने का, और ये वो काम अक्सर करता था, ठीक है? तो लिखो, इसके लिए कौन पीटा करता था, वह। तो लिखो, वह के लिए ही यूज्ड टू। और बताओ पीटने की इंग्लिश तो तुम्हें अब तक याद हो जानी चाहिए, पीटने की इंग्लिश होती है बीट। पीटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीट। तो लिखो, ही यूज्ड टू बीट। और किसे पीटा करता था, बच्चों को। तो लिखो, ही यूज्ड टू बीट द चिल्ड्रन, बच्चों को, ठीक है? ही यूज्ड टू बीट द चिल्ड्रन। समझ में आ रही है ना बातें। अगला रूल देखते हैं, तो अगला रूल देखते हैं। अगला रूल लिखो, रहता है या फिर कई सारे हैं। तो लिखो, रहते हैं, रहता है या फिर रहते हैं। रहता है एक के लिए और रहते हैं कई सारे लोगों के लिए। इसके लिए रूल बड़ा आसान है। देखो देखो इसका मतलब क्या है, रहता है, रहती है, ये अभी तुम्हें एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है? पहले इसका रूल लिख लो, बनता क्या है। देखो, इसमें आता है कीप ऑन, कीप ऑन, ठीक है? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाता है,
आईएनजी। कीप ऑन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी आएगा। बात समझ में आ गई ना? अब देखो कैसे पहचानेंगे। जैसे कि कहते नहीं है, पता है किसी की ना आदत बन जाती है, किसी की आदत बन जाती है। मान लो तुम बच्चों को बच्चे कक्षा में कुछ अच्छा नहीं करते, तो मैं ये बोलूंगा ना, तुम तो बच्चों को पीटते रहते हो, मतलब तुम्हारी क्या बन चुकी है, आदत बन चुकी है पीटने की, है ना। इसी तरह से माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को डांटते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा तो मुझे डांटते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चों की आदत बन जाती है खेलने की, खेलते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, बच्चे तो खेलते रहते हैं, समझ रहे हो ना। वाला रहना, इस रहना का मतलब वो नहीं है कि तुम कहीं पर रहते हो, इस रहने का मतलब है वो काम तुम करते रहते हो, मतलब वो तुम्हारी क्या बन चुकी है, आदत। उस हिसाब से कह रहा हूं। तो देखो मैं उस घर में रहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं उस घर में रहता हूं, ये वाला रहता नहीं है। अब ध्यान से सुनो, मैं उस घर में काम करता रहता हूं, मैं उस घर में काम करता रहता हूं, ये वाला रहता है। अब हमें कैसे पता चलेगा? देखो एक काम करो, रूल में ना एक वर्ड और लगा लो, करता रहता है या करता रहता हूं, इससे तुम्हें ध्यान रहेगा। करता रहता है या फिर करते रहते हैं या फिर करता रहता हूं, मतलब साथ में ना एक वर्ड और लगा लो, थोड़ा सा छोटा लिख लो, करता। करता रहता है, करते रहते हैं या करता रहता हूं, इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी ये वर्ड लग जाएगा ना साथ में करता, तो तुम्हें कौन सा रूल लगाना है, कीप ऑन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, देखो, वह काम करता रहता है, वह काम करता रहता है, हमारा रूल क्या फिट हो गया, रहता है, ठीक है। तो देखो ही और करता रहता है क्या बनेगा, कीप ऑन। तो लिखो ही कीप ऑन और क्या करता रहता है, काम, तो लिखो ही कीप ऑन, और देखो वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी। ही कीप ऑन वर्किंग, ही कीप ऑन वर्किंग, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो देखो एक चीज का और ध्यान रखना, अगर वह सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाना मत भूलना। ही के साथ कीप के साथ क्या लगेगा, एस, कीप्स, ठीक है। ही कीप्स ऑन वर्किंग। जैसे कि मैं एक और देखता हूं, हम, लिखो हम रोज नाचते रहते हैं, हम रोज नाचते रहते हैं। अब देखो दोनों तरह से बन गया ना, पहले मैंने तुम्हें रूल क्या बताया था, रहता है, रहती है, रहते हैं, और मैंने साथ में फिर क्या बताया था, करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं। अब देखो इस वाले टेंस को, वह रोज नाचते रहते हैं, है ना, वह रोज नाचते रहते हैं, मतलब ये उनकी आदत बन गई है, उनका रोज का काम हो गया है नाचने का, कोई बात ना चीत, नाचते रहते हैं, बताओ, ठीक है। तो उनका आदत बन चुकी है नाचते रहने की, बताओ काम क्या हो रहा है, नाचने का, और कौन नाचते रहते हैं, हम, तो लिखो वी। मुझे बताओ वी के साथ में कीप ऑन तो लगा रहा हूं, क्या मुझे एस या ईएस लगाना चाहिए? देखो मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना, बोर्ड पे देखो, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाया करो, वरना मत लगाया करो। बताओ हम क्या सिंगुलर होता है, वी सिंगुलर नहीं होता है, वी प्लूरल होता है, तो तुम्हें एस या ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस कीप ऑन ही रहेगा। तो लिखो वी कीप ऑन, और नाचने की क्या होती है, डांस, और आईएनजी लगाना मत भूलना। तो लिखो वी कीप ऑन डांसिंग, वी कीप ऑन डांसिंग, और वो भी रोज, तो लिखो डेली। डेली लिखो या एवरी डे लिखो, एक ही बात है। अगला रूल देखते हैं, देखो तो तुमने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा छोड़ दिया है, मैंने पूरा रब नहीं करा, क्योंकि अगला रूल इससे मिलता जुलता है। लिखो अगला रूल, अगला रूल है
रहता था या रहते थे। मैं फिर से वही बोलूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कहीं पर रहना कि वो यहाँ रहता था, वो यहाँ रहते थे, हम यहाँ रहते हैं। नहीं, वो वाला रहना नहीं है। वो उस वाले रहने की तो इंग्लिश तुम्हें भी मालूम होगी, उस वाले रहने की होती है लिव, लाइव, है ना, कि हम कहाँ पर रहते हैं। वाले रहने की बात नहीं हो रही, हम उस रहने की बात कर रहे हैं जो अक्सर हम कोई काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता रहता हूँ, है ना, तुम खेलते रहते हो, तुम बातें करते रहते हो, कूलर चलता रहता है, पंखा घूमता रहता है, मच्छर उड़ते रहते हैं, तितलियां जो भी करती हैं, मतलब ठीक है। तो रहता था, रहते थे। अब इसके लिए लिखो, देखो इसमें बहुत अच्छी सी चीज है, इसमें आता है कैप्ट ऑन। इसमें क्या आ जाता है? कैप्ट ऑन। बाकी वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाता है? आईएनजी। रूल को ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। कैप्ट ऑन, देखो पिछले वाले में और इसमें क्या फर्क है? सिर्फ इसी का ही तो फर्क है, वहां पे कीप था और यहाँ पे कैप्ट ऑन था। एक एग्जाम्पल देखते हैं, लिखो एक एग्जाम्पल। जैसे कि वह झूठ बोलता रहता था। वह झूठ बोलता रहता था। झूठ तो तुम समझते ही हो भाई, अक्सर तुम लोग भी बोलते हो, है ना, सब बोलते हैं। वह झूठ बोलता रहता था, इसका मतलब ये उसकी क्या बन चुकी थी? आदत बन चुकी थी, हमेशा वो ये काम करता रहता था। तो लिखो वह के लिए क्या आएगा? ही। हाँ, यहां पर सिंगुलर का चक्कर नहीं है, सिंगुलर के साथ एस या ई एस या प्लूरल के साथ कोई एस या ई एस नहीं, यहां पर इसका कोई चक्कर नहीं है, ना तो सिंगुलर ना प्लूरल। कैप्ट है तो कैप्ट ही आएगा। तो लिखो ही कैप्ट ऑन। और बताओ काम क्या हो रहा है? बोलने का। ध्यान रखना, मैं मानता हूं झूठ बोलने का काम हो रहा है, लेकिन काम तो सिर्फ बोलने का ही हो रहा है। और देखो बोलने की ये होती है ना स्पीक, लेकिन तुमने बताओ ये ज्यादा सुना है स्पीक अ लाई या फिर ये ज्यादा सुना है टेल अ लाई? मैं इतनी बात जानता हूं 90% बच्चों ने ये वाली बात सुनी होगी, टेल अ लाई। 10% बच्चों ने शायद ये सुना हो सकता है 100% बच्चों ने ये सुना हो टेल अ लाई, है ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो चीज हम शुरू से सुनते आ रहे होते हैं बचपन से, जो भी बातें हमने इंग्लिश के बारे में सुनी है, तो वो ज्यादा सही लगती है। ध्यान रखना, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, लेकिन अगर मैं स्पीक बोलूंगा तो कुछ बच्चों को गलत लगेगा, कि जो बच्चे बातें ध्यान से समझते आ रहे हैं बचपन से ही, उनको ये बात ज्यादा सही लगेगी, और वास्तव में यूज भी हम इसी का ही करेंगे, ठीक है। मैंने बस इतना बता दिया, स्पीक भी कर सकते हैं लेकिन नीचे वाला ही इस्तेमाल करना है तुम्हें भी। तो देखो ही कैप्ट ऑन, यानी कि यहां पर बोलने की इंग्लिश में स्पीक इस्तेमाल नहीं करूंगा, यहां पर बोलने की इंग्लिश में इस्तेमाल करूंगा टेल, और वो भी क्या लगेगा? आईएनजी। तो लिखो ही कैप्ट ऑन टेलिंग, टेलिंग अ लाई। तुम सोच रहे होगे एक झूठ, हिंदी में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि वो एक झूठ बोलता रहता था, है ना। लेकिन ध्यान रखना, कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं। कभी भी ऐसा मिलता है उसने एक झूठ बोला है, वो हमेशा एक झूठ बोलता था? नहीं, झूठ के साथ कभी भी एक या दो नहीं लगता। हाँ, बहुत जरूर लग जाता है कि तुम तो बहुत झूठ बोलते हो, है ना, एक कभी नहीं लगता। तो ए अंडरस्टूड है, ए लगाना ही लगाना है। ध्यान रखना, चाहे वो बहुत झूठ बोले चाहे वो एक झूठ बोले, तब भी ए ही लगेगा। ये आदत है, कुछ चीजों की आदत पड़ जाती है। ए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लिखो तुम रोज, तुम रोज समोसे, तुम रोज समोसे बेचते रहते थे। तुम रोज क्या बेचते रहते थे? समोसे। तो मुझे बताओ समोसे बेचने का वो जो काम कर रहा है उसका रोज का काम हो गया? देखो बेचते रहते थे, है ना, उसका रोज का ही। देखो बेशक इस टेंस के अंदर मैंने रोज लिखा है, ये मत देखना कि मैं इस शब्द की वजह से कह रहा हूं रोज कर रहा है वो काम, लेकिन तुम इस टेंस को इस शब्द के बिगड़ भी पढ़ के देखो, तुम समोसे बेचते रहते थे, देखकर नहीं पता चल रहा कि ये उसका काम है?
ये उसकी आदत बन गई है कि बेचेगा ही बेचेगा, बेचता ही रहता है, रोज का काम हो गया उसका, है ना। तो देखो रहता था, रहते थे और रहता था, जो भी है ठीक है। तो वर्ब की हमारी फॉर्म लगेगी कैप्टन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बताओ काम क्या हो रहा है, समोसे बेचने का या सिर्फ बेचने का? काम तो सिर्फ बेचने का हो रहा है भाई। क्या समोसे बेचने का काम हो रहा है या बेचने का काम हो रहा है? काम तो सिर्फ बेचने का हो रहा है। तो लिखो तुम के लिए क्या आएगा, यू। तो लिखो यू कैप्ट ऑन, यू कैप्ट ऑन। और क्या करते थे, बेचते थे। तो लिखो यू कैप्ट ऑन सेलिंग, क्योंकि आईएनजी लगाना मत भूलना, बेचने की होती है सेल, लेकिन हम आईएनजी लगाएंगे क्योंकि रूल यही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो लिखो यू कैप्ट ऑन सेलिंग, और क्या बेचते रहते थे, समोसे। यू कैप्ट ऑन सेलिंग समोसे। फिलहाल समोसे के लिए यही वर्ड लिख लो हिंदी में, समोसे, ठीक है। और वो भी डेली, रोज बेचता था बंदा, ऐसी लत लग गई उसको समोसे बेचने की कि जिस दिन समोसे नहीं बेचता था उस दिन वो खुद खाया करता था सारे समोसे। और अब हमारे पास है काल्पनिक स्थिति में, मतलब बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, टिपिकल के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं बना जो बच्चे को समझ में ना आए, 2 या 3 एग्जाम्पल के बाद हर एक बच्चे को समझ में आना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी टिपिकल कराए वो तुम्हें भी समझ में आते होंगे। और अब आज के लिए तुम्हारे पास एक नया टिपिकल रूल है जिसका नाम है, तो नंबरिंग डालो या मत डालो ये तुम्हारी मर्जी है कि नंबरिंग क्या होगी, ठीक है। मेरे लिए तो मुद्दे की बात है कि वो रूल, और वो रूल क्या है वो लिखो, ये रूल कब लगता है पहले तो वो लिखो। काल्पनिक, अभी पहले लिखना फिर मैं इसका मतलब समझाऊंगा। काल्पनिक स्थिति काल्पनिक स्थिति पहले तो मैं बताता हूं काल्पनिक का मतलब क्या होता है। काल्पनिक का मतलब होता है हम सोच रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, माइंड के अंदर केवल क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ऐसा होता, वैसा होता, काश मैं वो बन जाता, काश मेरे पास सलमान खान होता, काश मेरे पास पैसा होता, इस तरह की बातें, मतलब जिसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, दिमाग के अंदर कल्पना कर रहे हैं। सच नहीं है, सच नहीं है, रियल में सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, क्या पता भविष्य में हो जाए, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, काश हो भी जाए, काश मेरे पास एक कार होती, हो भी जाए, समझ रहे हो ना। उस स्थिति में हम क्या लगाएंगे, ये वाला रूल जो मैं लिखवाने वाला हूं, और वो रूल क्या है वो लिखो। वो रूल बहुत ही सिंपल है, रूल है वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस, या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा। तुम्हें मालूम है ना वॉज कब आता है, वॉज आता है सिंगुलर के लिए, वर आता है प्लूरल के लिए, ठीक है। हाँ अब तुम सोच रहे हो कि हमेशा वॉज और वर आएगा, हाँ हमेशा वॉज और वर आएगा। एग्जाम्पल लिखो, काश मैं राजा होता, क्या होता, मैं राजा होता, काश मैं राजा होता, है ना, हो सकता है ना, रियल में वो हो भी सकता है, हो सकता है भविष्य में राजा बन जाए, और हो सकता है भिखारी बन जाए, कुछ भी हो सकता है भविष्य में। तो फिलहाल की क्या बात हो रही है कि काश होता, काश मैं राजा होता, ठीक है। तो देखो तो सबसे पहले क्या आता है, वुड दैट, लिखो वुड दैट कॉमा, अब आएगा सब्जेक्ट, देखो वट पे वुड दैट, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, वुड दैट आई। अब मुझे बताओ आई के साथ क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं भाई, तुम्हें मालूम है ना आई के साथ क्या लगता है, वॉज, सिंगुलर होता है, आई वॉज क्या होता, राजा, आई वॉज किंग, समझ में आया ना, बहुत ही सिंपल चीज है, हर एक बच्चे को आ जाता, तुम्हें क्या आया खास, है ना। एक एग्जाम्पल और देखो उससे और क्लियर होएगा, काश तुम
एक खूबसूरत। भाई खूबसूरत कैसे लिखते हैं हिंदी में, शायद गड़बड़ हो जाए, है ना? लेकिन तुम लोगों को तो सही आता होगा तो जरूर लिख लेना खूबसूरत लड़की होती, है ना? काश तुम एक खूबसूरत लड़की होती, शायद उधर को मात्रा आती है सूरत पे, है ना? खैर जो भी है, ब्यूटीफुल इंग्लिश में बोले तो ब्यूटीफुल। तो देखो काश तुम, है ना? काश जब मतलब जब भी ये शब्द लग जाएगा ना, काश कल्पना कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो वुड दैट पहला आएगा, वुड दैट। अब देखो वुड दैट के बाद तुम की इंग्लिश क्या आएगी, यू। तुम की इंग्लिश आ गई यू, और तुम्हें मालूम है यू के साथ वर लगता है, तो यू वर। और क्या होती तुम, खूबसूरत लड़की। यू वर अ ब्यूटिफुल गर्ल, समझ रही हो ना? काश तुम एक खूबसूरत लड़की होती। तो जब भी हम कल्पना करते हैं, मतलब वो सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो काल्पनिक स्थिति में हम ये वाला रूल लगाते हैं, हमेशा लगेगा वॉज और वर। हमेशा क्या लगेगा, वॉज और वर लगेगा, ठीक है? अगला रूल देखो भाई, बहुत ही बढ़िया रूल है। वर्ब प्लस योग्य होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। क्या लगा में मिलेगा साथ में, योग्य होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, ठीक है? तो ध्यान से देखना, क्योंकि 25 वाले रूल में अक्सर गलती कर देते हैं। इससे मिलते जुलते तीन चार रूल बनाए गए हैं इंग्लिश में, ठीक है? और वो मैं तीन चार के तीन चार तुम्हें करा दूंगा, और देखा जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, हर किसी को आ जाते हैं, समझ में आसानी से आ जाते हैं, योग्य होना चाहिए। तो देखो बहुत ही सिंपल रूल है, इसमें आता है शुड बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे भी तुम्हें मैंने एक बात बताई है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? तो शुड बी एबल टू, शुड बी एबल टू। तो देखो तुम्हें पढ़ने योग्य होना चाहिए, तुम्हें किसके योग्य होना चाहिए, पढ़ने योग्य, ठीक है? भाई एक स्टूडेंट है, तुम लोग तो एक नंबर के लायक हो, है ना? हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो उन्हें क्या होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए। तो देखो यू यू शुड बी एबल टू, यू शुड बी एबल टू, और क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ने योग्य, है ना? किसके योग्य, पढ़ने योग्य, शुड बी एबल टू स्टडी, शुड बी एबल टू स्टडी, पढ़ने योग्य होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू स्टडी। अगला रूल और भी आसान है, अब है योग्य होना चाहिए था, योग्य होना चाहिए था। तो तुम्हें मालूम है पहले मैंने बताया था शुड बी एबल टू, शुड बी एबल टू, अब था भी लग गया, तो अब बनेगा तुम्हारा शुड
बीन, शुड हैव बीन, और बाकी वही है एबल टू। और वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई? फर्स्ट फॉर्म। बचपन से टू के बाद एक ही बात सुनते जा रहे हैं कि टू के बाद कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखो, तुम्हें खेलने योग्य होना चाहिए था। तुम्हें खेलने योग्य होना चाहिए था, मतलब तुम अच्छे से नहीं खेल पाते होंगे, और कोच तुमसे क्या कह रहा है कि तुम्हें खेलने योग्य होना चाहिए था। तो देखो, इसकी बनेगी यू शुड हैव, यू शुड हैव बीन, फिर आएगी एबल टू, यू शुड हैव बीन एबल टू। और किस लायक होना चाहिए था? खेलने के लिए। यू शुड हैव बीन एबल टू प्ले, यू शुड हैव बीन एबल टू प्ले। ठीक है, बहुत ही सिंपल और सटीक चीजें, इनको ध्यान से घर पे करोगे तो बढ़िया रहेगा प्रैक्टिस। फिर एक और लिखो एग्जाम्पल इसके लिए। हमें जीतने योग्य, हमें जीतने योग्य होना चाहिए था। हमें जीतने योग्य होना चाहिए था भाई, क्या करें, लेकिन हम जीत ना सके, है ना? सीधी बात है, तभी तो हम ये बात बोल रहे हैं कि हमें जीतने योग्य होना चाहिए था, इसका मतलब हम जीत ही नहीं पाए होंगे। तो देखो, वी शुड हैव बीन, वी शुड हैव बीन एबल टू, एबल टू। और किस लायक होना चाहिए था? जीतने के लिए, एबल टू विन। जीतने की इंग्लिश क्या हो जाती है भाई, बोलो, विन, है ना? जीतने योग्य होना चाहिए था, तो हमें जीतने योग्य होना चाहिए था, लेकिन हम जीत ही नहीं पाए, है ना? लालत है हम पर। तो देखो अगला क्या है, योग्य हो सकता है, योग्य हो सकता है। तो मैं मालूम है इसके लिए क्या बनेगा? सकता है के लिए क्या आ जाता है? कैन। सकता के लिए क्या आ जाता है? कैन। तो लिखो, कैन बी प्लस एबल टू, और टू के बाद भाई, अब तो याद हो जाना चाहिए, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत ही सिंपल सिंपल रूल है, एक आ जाता है तो दूसरा अपने आप ही आ जाता है उसके माध्यम से, बहुत ही ज्यादा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ठीक है, तो देखो, तुम खुश तुम काम करने योग्य हो सकते हो, हो सकते हो। ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा है कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम एक काम करने योग्य हो सकते हो, अभी नहीं हो लेकिन हो सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, यू कैन बी एबल टू। तो देखो, काम करने, करने की होती है डू, यू कैन बी एबल टू डू द वर्क, है ना? काम करने योग्य। एक एग्जाम्पल और लिखो, एक एग्जाम्पल से और क्लियर होएगा, हालांकि मेरे पास वो एग्जाम्पल नोट नहीं है, फिर मैं अपनी तरफ से दे देता हूं। काम करने योग्य हो सकते हो, है ना? लिखो, हम उसे पीटने योग्य हो सकते हैं,
अगर हम मेहनत करें रोज तो एक दिन हम उसे पीट पाएंगे। अभी नहीं पीट पाते हैं, अगर मेहनत करें तो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ करे किसी की जय जयकार नहीं होती। कितनी कमाल की चीज बोली। तो लिखो वी वी कैन बी एबल टू, है ना, वी कैन बी एबल टू। अब बताओ किसके लायक हो सकते हैं, पीटने लायक, है ना। वी कैन बी एबल टू बीट किसको, उसे, बीट हिम, हम उसे पीटने योग्य हो सकते हैं। वी कैन बी एबल टू बीट हिम, हो सकते हैं, है ना। अब आखिरी, टिपिकल का आखिरी टेंस, मतलब आखिरी रूल, तो देखते हैं क्या है आखिरी ऐसा। तो लिखो योग्य हो सकता था, तो कैन की जगह क्या आ जाएगा, कुड, हो सकता था। तुम नाचने, लिखो तुम नाचने योग्य हो सकते थे, क्या बनेगा, तुम नाचने योग्य हो सकते थे, है ना। नाच नहीं पाते हो लेकिन नाचने योग्य हो सकते थे अगर कोशिश करते तो, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया बन गया इसका। यू कुड बी एबल टू डांस, है ना, यू कुड बी एबल टू डांस, तुम नाचने योग्य हो सकते थे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टिपिकल के रूल थे, है